बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम YouTube चैनल फजर किचन ने बना रहे हैं। आपने हर तरह की रंगीन सवैयाँ खाई होंगी, लेकिन जो आज मैं आपके साथ इजी यूनिक सी रंगीन सवैयों की रेसिपी शेयर करूँगी, आज से पहले ये आपने कभी नहीं खाई होंगी। तो अब चलिए इन ईजी टेस्टी यूनिक सी रंगीन सवैयों को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंगीन सवैयां बनाने के लिए हमने एक पैकेट कलरफुल सवैयों का ले लिया है, ये हम हाफ यूज करेंगे, और 1 लीटर दूध ले लिया है और पर्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक अदद फ्राई पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे घी 1 टेबल स्पून। इस तरफ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जो कि यूं हैं, कुछ बादाम ले लिए हैं, कुछ पिस्ते, कुछ काजू। आप अपनी मर्जी से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो या आपके पास जो अवेलेबल हो। अब ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे घी में। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट करने से थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट से जो खाने का जायका होता है वो बढ़ जाता है। रंगीन सवैयां जो हैं वो हर तरह से बनाई जाती हैं। आज मैं आपके साथ अलग सी डिफरेंट यूनिक टेस्टी रंगीन सवैयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। मैंने सोचा हम भी बनाते हैं आपके साथ भी ये इजी सी रंगीन सवैयों की रेसिपी शेयर कर देनी चाहिए। अब माशाल्लाह ये रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश। यहाँ पर जो मैं किशमिश यूज कर रही हूँ वो बड़े वाली है, मोटे वाली है, मतलब कि एक लाइट ब्राउन होती है किशमिश, और ये जो है वो डार्क ब्राउन किशमिश है। आप चाहें तो लाइट ब्राउन वाली भी किशमिश ले सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसका भी जायका बढ़ जाएगा। या आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब माशाल्लाह ये भी रोस्ट हो चुकी है, इसे भी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक बर्तन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे दूध। आप रंगीन सवैयां बनाने के लिए खुला दूध भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर डब्बे का दूध यूज कर रहे हैं। अब दूध को हम अच्छे से बॉयलने तक पकाएंगे। अब माशाल्लाह दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने 1 कप सवैयां ले ली हैं, ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप किचन में कुछ भी बनाने आए तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें, इससे अल्लाह ताला रिस्क में जो है वो बरकत डालता है। सवैयों को पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और अब ये गल भी चुकी हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून शुगर, या फिर जिस लिहाज से आप मीठा खाना पसंद करते हो उस लिहाज से भी आप शुगर ऐड कर सकते हैं। हम नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, ना इतनी ज़्यादा होगी ना इतनी कम होगी। और मेजरमेंट के लिए हमने नॉर्मल खाने वाला चम्मच यूज़ किया है, जिससे आप चावल वगैरह खाते हो। अब रंगीन सवैयों में हम मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए ऐड करेंगे ग्रीन इलायचीज़ 3 अदद, जिनका मुँह हमने खोल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। रंगीन सवैयों को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, और ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह से, ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे जो अभी हमने बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में मिक्स करेंगे, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने रंगीन सवैयों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर दिया है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब रंगीन सवैयों को तकरीबन हम 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और आप देख सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते जो है वो रंगीन सवैयां थिक होना शुरू हो चुकी हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब सवैयों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अब माशाल्लाह रंगीन सवैयां अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, और इसी तरह से हमें थिक चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रंगीन सवैयों को डिश आउट करेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। सवैयां ऐड करेंगे, कुछ हमने एप्पल लिए थे जिन्हें हमने कट कर लिया है, ऐड कर देंगे, और इनका छिलका हमने रिमूव किया था। कुछ खजूरें हैं जिनकी हम
गुठली निकाल ली है और इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बादाम, जो काजू हमने रोस्ट कर लिए थे वो ऐड करेंगे, और कुछ पिस्ते, ये भी हमने रोस्ट किए थे, मोटी वाली किशमिश। इस तरह से हमने बेकरी वाला केक ले लिया है, इसे हम तोड़कर ऊपर ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेप्स यानी के अंगूर, अब थोड़ी सी सेवइयां ऐड करेंगे ऊपर। अब हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने ये आप रंगीन सेवइयां अपने घर में बनाएंगे, आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और फैमिली भी। और बच्चों की तो ये फेवरेट रंगीन सेवइयां हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं और सेवइयां भी, दूध भी, जो कि सभी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे किशमिश, पिस्ते वगैरह, काजू हमने ऐड कर दिए हैं, कुछ अंगूर ऐड करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको फ्रूट्स वगैरह पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं, या आपके घर में जो अवेलेबल हो। अब माशाल्लाह ये तैयार हो चुकी है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे तक। अब जो है कुछ रंगीन सेवइयों को हम गिलास में भी सर्व करेंगे। इसे हमने एक मिनट तक फ्रिज में रखा था, जिसे कि ठंडा हो चुका है। अब हमने चॉकलेट सिरप ले लिया है, इस तरह से हम साइड्स पर लगाएंगे। रंगीन सेवइयां ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें हमने एप्पल्स भी मिक्स कर दिए थे। और अब इसमें ऐड करेंगे बेकरी वाला केक, कुछ ऐड करेंगे ग्रेप्स यानी के अंगूर, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, और दोबारा से रंगीन सेवइयां ऐड करेंगे। अब माशाल्लाह ये भी गिलास तैयार हो चुका है, इसे भी ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब माशाल्लाह रंगीन सेवइयों को फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, और अब इन्हें हमने निकाल लिया है, तो अब आपके सामने इन्हें सर्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसी बनी है रंगीन सेवइयां। और ये जो गिलास वाली है ये तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, गिलास में ही चम्मच से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करवाते हैं। आपके घर में अचानक से कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो आप इन रंगीन सेवइयों को बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लग रही हैं, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। आप भी इस इजी टेस्टी यूनिक रंगीन सेवइयों को अपने घर में जरूर बनाइएगा, और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी मदा रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।